श्री बाबा गंगाराम सेवा समिति की ओर से आप सभी भक्त श्रोताओं का अभिनंदन करता हूँ। भगवान ने गीता में कहा है, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब भगवान धरती पर आकर आते हैं। आज पाप अपने पूरे चरम सीमा पर है, हिंसा से पूरा संसार ग्रसित है, हर जगह अशांति घर में रख है, इसलिए भगवान विष्णु का अवतार हुआ है बाबा गंगाराम के रूप में। काशी ज्ञान की भूमि है, अयोध्या वैराग्य की भूमि है और ब्रिज भक्ति भूमि, इन तीनों का एक जगह समावेश देखना है तो वो बाबा गंगाराम धाम, जो पंचदेव मंदिर के नाम से विख्यात है राजस्थान के झुंझुनू शहर में। जैसे ही आप मंदिर के परिसर में जाएंगे, आपके मन में विकार भाव शुद्ध हो जाएंगे। मैं आज आप सबको आपके टीवी चैनल के माध्यम से उनके अनन्य भक्त देवकी नंदन जी, जो भक्त शिरोमणि के नाम से जाने जाते हैं और जिन्होंने हम सबको बाबा जी से परिचित कराया है, उनके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। भक्त शिरोमणि की भक्ति हनुमान जी की तरह दास्य भक्ति थी। दास्य भाव से हृदय दीन बनता है, उनके भावों में शांति और उनकी बातों में एक दार्शनिक मर्मज्ञता थी। उनके हर शब्द कल्याणकारी थे, शील और विनय के पुतले थे वो। उन्होंने सैकड़ों निराशों को जीवन दान दिया। अगर आप मुझसे पूछें माता गायत्री, जो भक्त शिरोमणि की धर्मपत्नी हैं, का परिचय हमें एक वाक्य में दें, तो मैं कहूँगा माता गायत्री यमुना की भक्ति स्वरूप, गंगा का ज्ञान स्वरूप तथा सरस्वती का सत्कर्म स्वरूप है। इन तीनों दिव्य गुणों का समावेश है माता गायत्री में। भक्त शिरोमणि ने गायत्री तथा उनके छहों संतति में क्या है और क्या नहीं है, तो मैं यही कहूँगा उनमें सब में भक्ति है, ज्ञान है, तप है, वैराग्य है, धर्म है, और क्या नहीं है, क्रोध, ईर्ष्या, मद, मोह, मत्सर, विषमता, लेस मात्र भी नहीं है। जब व्यक्ति में यह दिव्य गुण होते हैं तो वे संत की श्रेणी से उठकर भगवान स्वरूप हो जाते हैं। जब आप उनके दर्शन करेंगे स्वतः आपको इसका अनुभव होगा। ओम तत्सत श्री गंगा राम देवाय नमः, यह महामंत्र है और इसके जाप से शुद्ध विचार आते हैं, पाप का हनन होता है और मनुष्य की हर मनोकामनाएं पूर्ण होती है। मुझे पूर्ण विश्वास है अगर आप इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपको आध्यात्मिक और भौतिक दोनों सुखों की अनुभूति होगी। अंत में मैं यही कहूँगा, यह एक अनुपम गाथा है। हम जैसे अज्ञानी इस गाथा का सही रूप से वर्णन नहीं कर सकते। मेरा विश्वास है शीघ्र ही कोई वाल्मीकि अथवा तुलसीदास बाबा की इस अनुपम और अमर गाथा को जन कल्याण के लिए सरल शब्दों में पिएंगे। जय बाबा गंगाराम, जय भक्त शिरोमणि, जय माँ गायत्री।